व्यापार मंडल पिंजौर ने दुकानदारों को 22 जनवरी को शॉप के आगे वाहनों को खड़ा न करने की सलाह दी है। यादविंद्रा गार्डन पिंजौर से लेकर श्री काली माता मंदिर तक निकलेगी विशाल शोभा यात्रा। व्यापार मंडल पिंजौर के प्रधान भूपेंद्र बंसल और भाजपा व्यापार मंडल जिला सह संयोजक तरसेम गुप्ता ने पिंजौर और कालका के व्यापारियों और दुकानदारों को सलाह देते हुए कहा कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश भर में तैयारियां चल रही हैं, वहीं पिंजौर और कालका में भी 22 जनवरी के दिन विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और 22 जनवरी के दिन पिंजौर और कालका की मार्केट में शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक में बाधाएं आ सकती है, इसलिए सोमवार के दिन दुकानदार और व्यापारी वर्ग अपने अपने दुकानों के आगे किसी भी वाहन को खड़ा ना रहने दें, ताकि 22 जनवरी के दिन रथ यात्रा और शोभा यात्रा में कोई बाधा ना आ सके। व्यापार मंडल पिंजौर के प्रधान भूपेंद्र बंसल और भाजपा व्यापार मंडल जिला सह संयोजक तरसेम गुप्ता ने बताया कि इस विशाल शोभा यात्रा में 35 से 40 हज़ार व्यापारी वर्ग, दुकानदार और लोग कालका पिंजौर में हिस्सा लेंगे। इसके लिए पिंजौर और कालका के व्यापारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर रखी हैं। शोभा यात्रा के पहले पिंजौर और कालका की दुकानों और शोरूम को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब से बाजार सजा हुआ है। सभी दुकानदारों से भी मेरी अपील है कि वो गाड़ियों का जो ट्रैफिक है उसका भी ध्यान रखें, अपने आगे स्टालों के आसपास गाड़ियों को खड़े ना होने दें ताकि यात्रा में कोई बाधा ना पहुंचे। और सभी हल्का वासियों से मेरी हाजोरी गुजारिश है कि इस दिन को हमने दिवाली नहीं महान दिवाली के रूप के अंदर मनाना है, और सभी घर के अंदर 11-11 दीवे जरूर लगाएं और अपने घरों के ऊपर लड़ियां जरूर डालें, क्योंकि बाजार तो पूरे सज चुके हैं तो घर भी सारे सजने चाहिए। ये जो है ना व्यापार मंडल पिंजौर इसका आयोजन कर रहा है जी पूरे यात्रा का। बाकी इसमें सभी लोग पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग सभी रहने वाले हैं। बहन लतिका जी भी इसके अंदर रहेंगी और भी पॉलिटिकल लोग इसके अंदर आएंगे। तो हमारे तो सभी से गुजारिश है भी सभी बढ़ चढ़ कर इस यात्रा के अंदर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा के हमारे साथ चलें और इस शोभा यात्रा का आनंद लें और श्री प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को किदार्थ करें। यहाँ पे पिंजौर में कालका में भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है, जो पिंजौर गार्डन से लेकर कालका महामाई के चरणों से लेकर रेलवे स्टेशन पे जाके ये यात्रा खत्म होगी। और हम 10-15 दिन से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर दुकान पे जितनी भी जो भी लड़ी वगैरह जो भी हम लोगों के अंदर व्यापारियों के अंदर इतना उत्साह है, मतलब खुश हैं, इतना खुशी की लहर है। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी राम में इतनी बड़ी, हर आदमी कहता है बस मेरे को मेरे लिए इतना देखने वाला भव्य यात्रा होगी। और हर जगह पे पंडाल लगेंगे जिसमें कोई मतलब कड़ी चावल लगा रहा है, कोई सैंडविच का लगाएगा, हर मतलब 60-70 जो स्टॉल हैं व्यापार मंडल की तरफ से लग रहे हैं। और इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 हज़ार आदमी इसमें जुड़ने का पूरा हमारा लोगों को खुशी है। अभी बस 500 साल के बाद हमारे राम जी हमारे इसमें विराजमान हो रहे हैं मंदिर में, तो लोगों के अंदर खुशी की लहर है। और व्यापार मंडल का सारे हिंदुस्तानी और मोदी की वजह से, और मैं कहता हूँ ये कोई कुछ है ही नहीं भी, हाँ भी इसका कोई जवाब है। तो इस करके व्यापार का सारे खुशी की लहर है और भव्य इसको बना रहे हैं और बहुत बढ़िया दिवाली बनेगी। व्यापार मंडल और मैडम लतिका शर्मा जी ने पूरा सहयोग दिन रात एक करी हुई है व्यापार मंडल में, बाजार में सारा अभी पूरा देखते हैं। इतना मैं कहता हूँ जितनी मैडम है हमारी MLA ने किसी ने इतनी होनी जितनी वो दिल से लोगों के साथ जुड़ी हुई है और पूरा काम दिल से लगी हुई है।